शादी के बाद यहाँ पे आएगा या नहीं? शादी के बाद अभी वो तूने वो गोरी लड़की देखी थी क्या? हाँ देखी थी, देखी थी। ऐसी लड़की मिल जाएगी तो मैं डेफिनेटली तो फिर तो हमें लगता है अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा। Oh darling, if I had bought you flowers। पिछले एपिसोड में आपने नॉर्थ गोवा के एंड में और साउथ गोवा से जस्ट पहले लोकेटेड हार्ट लेक और बोगमालो बीच देखा। इसके बाद साउथ गोवा का जो हमारा पहला डेस्टिनेशन है वो है कोलवा बीच, जो हार्ट लेक से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी के साथ साउथ गोवा के तीन सबसे बेहतरीन बीचेस जो मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, उन्हें आपके सामने इस ब्लॉग के जरिए पेश करता मैं राज। भोजी फाइनली कोलवा बीच पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये बाहर का आउटर व्यू है कोलवा बीच का, आप देख सकते हो यहाँ से हम लोग अभी आए। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, अगर आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा की ओर आ रहे हो तो साउथ गोवा में दूर दूर तक कहीं पे पेट्रोल पंप नहीं है, बिकॉज हाईवे पे आप निकलते हो तभी पेट्रोल पंप मिलेगा। बिकॉज आप जब बीच में से आ जाते हो ना तो सारे जंगल के रास्ते हैं और वो जंगल के रास्ते में पेट्रोल पंप हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, लेकिन कोई पेट्रोल पंप वहाँ पे मिला नहीं, इसीलिए हम लोग को फिर हाईवे पे कनेक्ट करके जाना पड़ा। वहाँ पे 3 किलोमीटर दूरी पे एक पेट्रोल पंप मिला, फिर वो पेट्रोल भरवा के हम लोग यहाँ पे आए, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो जाने का डर हमेशा ही रहता है एक्टिवा पे आप ट्रैवल कर रहे होते हो। तो इसीलिए अगर आप साउथ गोवा में घूम रहे हो तो हाईवे कनेक्ट करके पेट्रोल पंप भरवा लिया करो, उसके बाद कहीं पे भी आप वो जंगल वाले रास्ते से बीच बीच पे आया करो, बिकॉज यहाँ पेट्रोल पंप कहीं पे भी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे नॉर्मली जैसे नॉर्थ गोवा में आपको देखने को मिलते हैं। Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Hey, magic दिखाओ राजेश तेरे को। दिखाना? क्या? क्या ये? ये देख खेकड़ा है। खेकड़ा? दूरी रहूँगा नहीं तो तू साले चिल्लाएगा वापस। कैसा अंदर है? क्या दिखा तो? अंदर ही है देख। तो दोस्तों केकड़ा आप देख सकते हो, मुझे बहुत डर लगता है लेकिन बट अभी वो डरा हुआ है अंदर। अच्छा अच्छा, निकलना उसको बाहर निकलना? नहीं निकलेगा ऐसे, नहीं निकलेगा क्या? फटी पड़ी है उसकी भी। सो वेलकम एवरीवन दोस्तों कोलवा बीच में। कोलवा बीच इज द फर्स्ट एवर बीच इफ यू एंटर्ड साउथ गोवा। अब नॉर्थ गोवा से जब साउथ गोवा आते हो तो पहला बीच जो आपको फेमस बीच पड़ेगा वो है कोलवा बीच। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं कोलवा बीच पे आया हूँ या फिर साउथ गोवा के कोई भी बीच पे आया हूँ, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल है एज कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा। यहाँ पे बहुत ही शांति है, लेकिन बीचेस आर मोर ब्यूटीफुल देन द नॉर्थ गोवा बीचेस। तो अगर आप शांति चाहते हो, बहुत ज़्यादा सुकून चाहते हो, ज़्यादा फॉरेनर्स वगैरह नहीं चाहते हो, पार्टी कल्चर वगैरह नहीं चाहते हो, तो साउथ के बीचेस आर द बेस्ट। और बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं और पानी के जो वेव्स है वो बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए लाइफ गार्ड वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हो। पीछे इस साइड एक है और इस साइड एक पूरा चैम्बर उनका बना हुआ है लाइफ गार्ड का, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बचाव के लिए भी यहाँ पे आ जाते हैं अगर लोगों को कोई तकलीफ हो जाए, पानी के अंदर कोई चला जाए तो। बिकॉज समुंदर पे जब नहा रहे हो तो ऐसे काफ़ी सारे सीन्स होते ही रहते हैं, इसीलिए बचाव के लिए लाइफ गार्ड वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। कोलवा बीच की खूबसूरती का मज़ा उठाने के बाद हम निकल पड़े साउथ गोवा के हमारे दूसरे बीच की ओर, जो कोलवा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसका नाम है काबो दे रामा बीच। तो जी फाइनली हम लोग काबो दे रामा बीच पर आ चुके हैं और कोलवा बीच जहाँ पे हम गए थे वहाँ से करीब 31 किलोमीटर पे ये है। आने वाला रास्ता बहुत ही सीनिक ब्यूटी वाला रास्ता है, थोड़ा सा सिंगल वे रोड है और थोड़ा सा कंजेस्टेड रास्ता है, कुछ रास्ते थोड़े खराब भी है, और यहाँ तक पहुँचोगे उससे 1 किलोमीटर दूर तक आपको रास्ता थोड़ा सा खराब मिलेगा, बट इट इज़ ऑल वर्थ बिकॉज लेट मी शो यू हाउ ब्यूटीफुल दिस बीच इज। आपने शायद गोवा में पहले कभी नहीं देखा होगा कि इतना ब्यूटीफुल बीच भी हो सकता है। साउथ गोवा अगर आप नहीं आए हो तो जरूर आइएगा, काबो दे रामा बीच इज वेरी ब्यूटीफुल। अब नीचे जाने का यहाँ पे रास्ता हमें देखना है, बिकॉज ऊपर से तो व्यू इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि यहाँ से फोटोज वगैरह खिंचाए बिना जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे आने का। तो फोटोज खिंचा के नीचे जाते हैं, लेकिन नीचे जाके भी आपको व्यू देते हैं अभी काबो दे रामा बीच का। व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर के कॉम्बिनेशन वाला काबो दे रामा बीच जैसा शायद ही कोई बीच आपको इंडिया में देखने को मिले, और इससे जुड़ा हुआ
जंगल जो हजारों नारियल पेड़ से बना हुआ है, इसकी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देता है। तो जी, बड़ी जद्दोमशक्कत के बाद, इतने खराब रास्ते होने के बावजूद हम लोग नीचे पहुंच ही गए हैं। बहुत ही लंबा सफर था, बहुत ही खराब रास्ता था, चलते चलते चप्पल भी घिस गए, लेकिन सारी चीजें वर्थ है, बिकॉज ये जगह की जो ब्यूटी है इतनी जबरदस्त है कि बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। बिकॉज पानी है वो भी पूरा साफ है, और पीछे आप देख सकते हो नारियल के पेड़ तो जैसे हजारों में है। और उसके बाद मौसम भी एकदम सुहाना है, धूप है वो चली गई है, और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे एटमोसफियर फिलहाल बन चुका है। और शाम के बज चुके हैं 3:30, और यहाँ से बस निकलने का हमारा मन तो कर नहीं रहा है, लेकिन और भी बहुत सारी जगह जो एक्सप्लोर करनी है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। और ये पीछे देख सकते हो आप, ये कोई भी ब्यूटीफुल आइलैंड से कम नहीं है। इंडिया के अंदर ऐसी कोई बीच हो सकती है या फिर ऐसी कोई जगह हो सकती है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन थैंक्स टू साउथ गोवा जिसने मुझे ऐसा नज़ारा दिखाया। और आप भी अगर आते हो साउथ गोवा कभी घूमने के लिए, तो काबो दे रामा बीच इज अ मस्ट वॉच बीच। तो जी, फोटोज तो बहुत सारी हो गई है, लेकिन अब जाने का टाइम भी यहाँ से हो गया है। 3:30 बज चुके हैं, लेकिन जाने का हमारा फिर भी मन कर नहीं रहा है, इस जगह की खूबसूरती को देखते हुए, यहाँ का साफ पानी देखते हुए, और यहाँ का जो ग्रीनरीज है वो और भी ज्यादा चार चांद लगा रहा है यहाँ की खूबसूरती को। लेकिन अब यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज अगोड़ा बीच और पलोलिम बीच, ये दो टारगेट हमारे और भी है मेजर, वो पूरा करने के बाद हमें वापस नॉर्थ गोवा भी जाना है, जो करीब 80 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो बहुत दूर ट्रेवल भी करना है, अंधेरा होने से पहले वहाँ से आना भी है। तो देखते हैं अभी आगे और कोई साइट सीन हम लोग कवर कर पाते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक भी जितनी जगह हम लोग घूमे ये सारी भी वर्थ है। और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये जगह। और चिराग ने उनका गिम्बल शॉट लिया, तो फिर बच्चों कुत्ते लोग सारे भड़क गए यहाँ पे और भौंकते हुए यहाँ पे चिराग के ऊपर। कैसा लग रहा है चिराग? मास्क किसका है? चिराग अपने में से किसी का मास्क लेंगे। चल बे, सीन आपको बताऊं तो इस चिराग ने लेने की कोशिश की गिम्बल शॉट यहाँ से, स्टेबल शॉट कुत्ते लोगों की, तो सारे कुत्ते इकट्ठा होके चिराग पे भौंकने लगे जोर जोर से। फाइनली अगोंडा बीच भी हम लोग पहुंच चुके हैं, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो ये अगोंडा बीच ही था। और ये बीच की अगर मैं बात करूँ तो इसके पीछे ही एक गाँव है, जो पूरा गाँव का नाम ही अगोंडा है, और ये रिजॉर्ट है यहाँ पे, अगोंडा रिजॉर्ट इसका नाम है। और यहाँ पे मोस्टली दुकान वगैरह भी जो आपको देखने मिलेंगी वो अगोंडा के नाम से ही देखने को मिलेगी। इसके पीछे का रीजन तो मुझे नहीं पता, बट ये बीच बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आइए ये बीच की भी सैर करते हैं अभी। लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल बीच राइट नाउ। एंड यहाँ पे भी जो बीच है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, बिकॉज साउथ गोवा के बीचेस का मैं बहुत ही बड़ा फैन हो गया। Would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours. तो जी, यही है अगोंडा बीच रिसोर्ट। यहाँ पीछे आप देख सकते हो इनके सारे रूम्स वगैरह है, जहाँ से बेडरूम भी आपको दिखाई दे सकता है। या बेडरूम से जस्ट आप जैसे ही उठोगे सुबह की मॉर्निंग आपकी, अगर मान लो ऐसे बीच के सामने हो, तो आपका दिन कितना ज़बरदस्त हो सकता है। और यहाँ से आप देख सकते हो बीचेस है, और बीच के ठीक सामने भी ये रूम्स वगैरह है, जो कुछ बनने की तैयारी में चल रहे हैं अभी। लेकिन पीछे के जो ऑलरेडी जो रूम्स बने हुए हैं वो बहुत ही वेल फर्निश्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ के जो रूम्स है वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और ये सारे जो रूम्स है ये एग्जैक्ट बीच के ही सामने है, आप देख सकते हो पीछे ही बीच है और ये एग्जैक्ट यहाँ पे ही बने हुए हैं सामने। लेकिन यहाँ पे कुछ अभी काम चल रहा है, बिकॉज सीढ़ियाँ वगैरह काफी बनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बेडरूम अगर जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा, तो जैसे ही आप सुबह उठोगे वैसे ही आप पर्दा खोलोगे और सामने आपको बीच दिखाई देगा, तो क्या खूबसूरत नजारा हो सकता है। तो ये रूम्स वगैरह देख के मेरी भी ऐसी इच्छा हो गई है, काश मेरे पास भी एक ऐसा ही रूम होता जहाँ पे मैं बस सुबह उठता, अपने पैर जमीन पे रखता, पर्दे खोलता और सामने ही बीच होता, तो क्या जिंदगी होती। खैर, सपने देखना भी अच्छी बात है। If you stayed at home the night, yeah, I've been lonely counting hours.
तो बस यहाँ पे भी थोड़े फोटोज शोटोज खींच लेते हैं और उसके बाद भूख तो बहुत लगी है बिकॉज दोपहर से हमने कुछ खाना भी नहीं खाया। आपने सुबह से 3 डेस्टिनेशन देख लिए होंगे, ये कवर करने में हमारी हालत खराब हो चुकी है बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ज़्यादा दूर है और अगर हम खाना खाने बैठ जाते तो इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि इतने सारे साइट सीन्स कवर नहीं कर पाते। लेकिन खैर यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हैं, खाना खाने नहीं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि अगोड़ा बीच का जो मेन चार्म है वो तो इसके रिजॉर्ट्स ही है बिकॉज रिजॉर्ट्स का जो बेडरूम है वो जैसे ही खुलता है वैसे ही सामने बीच होता है, तो सुबह के टाइम पे काफी रोमांटिक एटमॉस्फेयर होता होगा। क्या बोलते हैं चिराग, इतना रोमांटिक होता होगा कि नहीं सुबह? बहुत, बिल्कुल यार। हाँ तो मतलब शादी के बाद यहाँ पे आएगा या नहीं? शादी के बाद? अभी वो तूने वो गोरी लड़की देखी थी क्या? हाँ देखी थी, देखी थी। ऐसी लड़की मिल जाएगी तो मैं डेफिनेटली तो फिर तो हमें लगता है अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है इसका जो मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट है इस रिसोर्ट का वही यहाँ पे इसका बेडरूम है जो सामने बीच व्यू आपको देता है सीधा ऐसे, और सनसेट का भी जो टाइम होता है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो होपफुली कभी ना कभी अगर हम कपल हुए तो यहाँ पे जरूर आएंगे रहने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं इसी खूबसूरत बातों के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, और मिलते हैं अगले एपिसोड में जो कल का होगा वो और भी ब्यूटीफुल होने वाला है बिकॉज वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कल होने वाली है सुबह और कितने फोर्ट्स है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो कल का वीडियो चूकना मत और देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को।